नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आज ये एक हॉल वीडियो है, मैंने ऑर्डर प्लेस किए थे कुछ एक ब्रांड के, क्योंकि वो मैंने आज तक यूज़ नहीं की है और उस पर 25% ऑफ चल रहा है, तो मैं सोचा चलो मंगा कर देखते हैं। एक नई ब्रांड है, मैंने उसका एक भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया था, तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या ऑर्डर प्लेस किए हैं उसके। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं प्रो वालो है ये, और रोज़ वाटर है विच हेज़ल, और इसका MRP है 399 रुपीज़, और इसका 110 ml इसकी नेट क्वांटिटी है। काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है इसकी, पैकेजिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी आता है टू। आपने देखा होगा इसको एक वीडियो में मुझे यूज़ करते हुए। हाँ, मतलब आज ये डिलीवर नहीं हुआ, थोड़े दिन पहले हुआ था। तो ये रोज़ वाटर है, बहुत अच्छी इसकी स्मेल है, फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है इसकी, पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी है, और ये बोतल भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग। कलर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इस तरह के कलर मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, मुझे इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी लगी, आप ट्राई कर सकते हैं इसको। टोनर है ये, एडवांस पोर मिनिमाइजर, तो इस तरह से मैंने लगाया है। ऑल स्किन टाइप्स के लिए है ये, क्रुएल्टी फ्री है ये। मोस्टली आजकल मैं वे प्रोडक्ट ज़्यादा लेने लगी हूँ जो क्रुएल्टी फ्री होते हैं। तो सेकंड प्रोडक्ट ले रही हूँ मैं, जस्ट हर्ब का भृंगराज हेयर ऑयल, और इसका MRP है 545 रुपये। 545 रुपये इसका MRP है, और इस 100 ml की बोतल है, और इसकी देखिए पैकेजिंग काफ़ी अच्छी लगी है मेरे को, एकदम सील बंद आई है एकदम। अब इसको ओपन कर रही हूँ आपके सामने, कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है, और इसके अंदर ये प्लास्टिक की बोतल है, जस्ट हर्ब का भृंगराज, बालों के लिए चाहिए ना, तो मैं सोचा ये ट्राई करती हूँ भृंगराज ऑयल। रिव्यू तो अभी मैं इसका कुछ नहीं बता सकती कि कैसा है कैसा नहीं, सिर्फ आपको पैकेजिंग दिखा रही हूँ इसकी, और रिव्यू दिखा बताऊँगी मैं उसको जब एम्प्टी हो जाएगी बोतल, एम्प्टी वीडियो में मैं आपको इसका रिव्यू दूंगी। तो ये जस्ट हर्ब का ब्राइटनिंग करेक्टिंग कंसीलर 04 नेचुरल है ये, और इसका MRP है 645, और ML है इसमें 6 ml, इसमें 4 है इसका नंबर। इसमें ऊपर स्पंज है, आपको स्पंज मतलब एक ब्रश नहीं लेने की इसमें ज़रूरत है, स्प्रेड करने के लिए, लगाने के लिए, और इस तरह से इसको खोलने पर ये मुझे इस तरह की पैकेजिंग काफ़ी अच्छी लगती है कंसीलर की। और मैं आपको उसका शेड दिखा देती हूँ, बहुत लाइट है ये, देखिए कितना लाइट है मेरे उसके लिए। तो इसको मैं ब्राइटनिंग के लिए यूज़ करूँगी, अंडर आई तो बिल्कुल नहीं करूँगी, नहीं तो ग्रे हो जानी है पक्का। ये देखिए कंसीलर 04 नेचुरल, MRP है इसका 645, जस्ट हर्ब का। ट्राई करनी चाहिए नई नई चीज़ें, तभी पता चलेगा अच्छी है या नहीं है। ये जस्ट हर्ब का प्राइमर, पोर रिफाइनिंग मैटिफाइंग हाइड्रेटिंग प्राइमर, कोकोनट स्वीट आलमंड मोरिंगा SPF 15+, 3-in-1 पोर रिफाइनिंग, और इसका MRP है 575, MRP है 575 रुपीज़। ये देखिए ये इसकी पैकेजिंग है, पैकेजिंग काफ़ी सही है, ये ट्यूब में है, ये है प्राइमर, और इस तरह का ये है, लाइट है, ये टेक्सचर इसका काफ़ी स्मूथ है एकदम, क्रुएल्टी फ्री है, अच्छा लगा मेरे को इसका टेक्सचर प्राइमर का, देखिए बिल्कुल स्किन के अंदर कैसे चला गया एकदम। जस्ट हर्ब का ही अंडर आई जेल, और इसका MRP है 495 रुपीज़, और इसमें 20 ग्राम प्रोडक्ट है अंडर आई जेल। इसको अब हम ट्राई करेंगे अंडर आई जेल। वैसे मैं ये एक बात बता दूं, मैंने काफ़ी अंडर आई जेल यूज़ किए हैं, लेकिन मुझे उनसे कोई भी फ़ायदा विजिबल तौर पर नहीं दिखा है, तो अब हम इसको भी ट्राई करेंगे, देखेंगे कैसा रहेगा। और ये इसकी पैकेजिंग है, वो गिर गया, और अंडर आई जेल 20 ग्राम प्रोडक्ट है इसके अंदर, ख़त्म तो नहीं है, नहीं ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि पैकेजिंग अच्छी थी इसकी, कवर था ये पूरा इनसे प्लास्टिक इससे शीट से, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत लाइट आई है देखिए, कोई मतलब ऐसा नहीं लग रहा, हैवी हैवी सा, थोड़ा थिक भी नहीं है, बिल्कुल एकदम लाइट है, काफ़ी अच्छा लग रहा है टेक्सचर तो इसका। और आगे हम देखेंगे लगाने के बाद, जब यूज़ करेंगे तो पता चलेगा है कुछ इससे फ़ायदा होता है या नहीं होता है। अंडर आई जेल है जस्ट हर्ब का। एक और अंडर आई जेल मैंने मंगाया है, यह है प्रोटच का, किसी मैंने एक इन्फ्लुएंसर को उसको यूज़ करते हुए देखा था, सोचा इसको मंगा लेती हूँ मैं, और इसका MRP 750 रुपीज़, 750 रुपये का 125 ml है ये, और ये इसकी पैकेजिंग है, प्रो टच है इसका उसका नाम, और
पैकेजिंग तो बढ़िया एकदम इंटरनेशनल ब्रांड के होते हैं ना इस तरह से, और इसमें ऊपर की तरफ ये रोलर पैन, मतलब इसको आप रोलर पैन कह सकते हो, स्किन लिफ्ट रिकवरी ड्रॉप। मेरे हाथ साफ हैं तो मैं इसको लगा के, ओहो बहुत लाइट है, बिल्कुल एकदम पानी की तरह है। इसको भी हम लगा के देखेंगे कि फ़ायदा होगा इससे या नहीं होगा। तो मैंने दो अंडर आई क्रीम, ये जेल मंगा ली हैं, क्रीम या जेल क्रीम या जेल जो भी आप इसको कह सकते हो, एकदम ये स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो गया ये। तो इसको जब हम यूज़ कर लेंगे, ख़त्म हो जाएगा, तो मैं आपको इसका रिव्यू दूंगी। फिलहाल तो मैं आपको इसका सिर्फ टेक्सचर बता सकती हूँ, स्किन लिफ्ट रिकवरी ड्रॉप प्रो टच स्किन। और देखिए इसकी पैकेजिंग तो काफ़ी गजब की है, और 750 रुपीज़ काफ़ी मतलब कॉस्टली है एक अंडर आई के लिए, लेकिन यदि फ़ायदा हो जाए तो पैसे वसूल समझो। नेक्स्ट प्रोडक्ट है जस्ट हर्ब का सीरम फाउंडेशन SPF 30 ड्यू फिनिश है, 30 ml है ये, और इसका MRP 699 रुपीज़। ये देखिए पैकेजिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, क्यूट सी है, एकदम अच्छी लगती है देखिए। और इसका मैं आपको बता देती हूँ, इसका शेड है ये वनीला 01 वनीला, वनीला तो बहुत ज़्यादा लाइट रहेगा मेरे लिए। ये देखिए इसके अंदर मुझे मिक्स करना पड़ेगा, ये देखिए कितना वाइट है ये, इसमें तो मुझे मिक्स करना ही पड़ेगा। और ये इसमें कैप है और ऐसा पंप वाला इसका ये पैकेजिंग है। वनीला तो बहुत ज़्यादा है हम जैसों के लिए, कहाँ वनीला तो बहुत दूर दूर तक भी नहीं आएगा हमारे, तो उसके अंदर मेरे को मिक्स करना पड़ेगा। कोई डार्क शेड का मेरे पास एलेगर्ल का कंसीलर है, वो उसके अंदर मैं मिक्स करके जब लगाऊंगी इसको। यस ड्यू फिनिश तो है इसमें, और थोड़ा ड्राई स्किन वालों के लिए भी इतना वो नहीं रहेगा, अच्छा लगेगा ड्राई स्किन वालों पर, कवरेज भी सही दे रहा है। देखिए बात करते हैं प्रो टच स्किन का पावर ग्लो फेस ड्रॉप, हाइड्रेट एंड नरिश, प्रिवेंट एक्नी एंड एजिंग, रिस्टोर एंड ब्राइटनिंग स्किन, फाइट डार्क स्पॉट्स। काफ़ी ज़्यादा इसने इतने सारे वादे हमसे कर लिए हैं। 30 ml की बोतल है और 750 इसका MRP है, एक्सपायरी है 25। फेस ड्रॉप है ये, चलिए खोल के देख लेते हैं। मैंने अभी ऊपर से ही खोला था इसको, पैकेजिंग इसमें आई थी, मतलब पूरा फुल एकदम फुल प्रूफ पैक था ये। और देखिए बिल्कुल इंटरनेशनल जैसी पैकेज, जैसे इंटरनेशनल प्रोडक्ट होते हैं ना उनकी पैकेजिंग होती है इस तरह का ये ऐसा, और बहुत ज़्यादा लाइट है, ओहो बिल्कुल एकदम सीरम जैसा ही है, बिल्कुल लाइट है, कोई हैवीनेस इसके अंदर फील नहीं हो रही है, सीरम नहीं होता जैसा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी इसकी वो है। अब लगा के देखेंगे कुछ फ़ायदा होगा या नहीं, क्योंकि टेक्सचर तो इसका काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल एकदम लाइट वेट है एकदम सच्ची में। फेस पे लगा के थोड़ा सा आपको मैं दिखा देती हूँ, इस वक्त मैंने सिर्फ लगा रखी है विटामिन सी, एब्जॉर्ब हो गया एकदम, देखो। चलो रिव्यू तो हम देंगे जब ये खत्म हो जाएगी बोतल, तभी मैं आपको रिव्यू देती हूँ, जल्दी तो मैं आपको रिव्यू नहीं देती हूँ। जस्ट हर्ब का ही 25% का ऑफ चल रहा है जस्ट हर्ब पर, और ये जो अब पिंक 5 में से है, पिंक कौन सा पिंक पता नहीं क्या, मतलब नायका पे जो चलता है पिंक सेल, वो 5 मई से स्टार्ट है, तो उसमें आप ट्राई कर सकते हो, शायद और ज़्यादा इन प्रोडक्ट पर आपको छूट मिल जाए। 25% तो ये अभी छूट मिली है मेरे को इन पर। तो ये पैकेजिंग देखिए काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है ये इनकी, बिल्कुल एकदम फुल प्रूफ पैकेजिंग है। और ये मैंने मंगाया है जस्ट हर्ब का, MRP है 395 रुपीज़, क्रुएल्टी फ्री हैं और वीगन भी हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन है ये, 15 ग्राम इसका नेट वेट है, लिफ्ट स्क्रब है ये, ये कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है, और ये है इसमें छोटी सी बोतल आई है, और MRP इसका 395 रुपीज़। और प्रोडक्ट मैंने आपको इसकी क्वांटिटी बताई दी थी, 15 ग्राम इसका नेट है ये, और रोज़ लिप स्क्रब है ये, खाने के लिए देखिए स्क्रब है ये, फ्रेग्रेंस ज़्यादा मतलब हार्श नहीं है ये, जिसके अंदर कण होते हैं जिसको जिस कारण इसको स्क्रब बोला जाता है, वो ज़्यादा मोटे मोटे नहीं आए, मतलब आपके लिप्स के लिए सही है ये। देखिए
गुलाब के फूलों की इसके अंदर खुशबू है। और बस इसके अलावा मैं आपको इसको इसके अलावा और क्या जानकारी दूं मैं आपको। चलिए मैं अब इसको पूछ कर आती हूँ। तो जस्ट हर के मैंने शैम्पू भी मंगा लेते क्योंकि अब ऑयलिंग बहुत करने लगी हूँ मैं। सप्ताह में एक बार मैं ऑयल लगाती हूँ और बाकी सब भी शैम्पू करते हैं। तो मैंने ये छोटे छोटे से थे तो मैंने इनको चार मंगा लिया। एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, एक एंटी हेयर फॉल शैम्पू है। तो मैं आपको अंदर से इसको दिखा देती हूँ। इसका MRP जो ये एंटी हेयर फॉल शैम्पू, इसमें आंवला और नीम है। 625 का ये MRP है इसका। और ये भी आंवला और नीम है, ये भी 625 का, 625 इसका MRP है। एंटी डेंड्रफ शैम्पू, मेरे छोटे बेटे का ना डेंड्रफ है तो उसके लिए मैंने मंगाया एंटी डेंड्रफ शैम्पू। और वैसे हेयर फॉल तो भाई देखो थोड़े बहुत तो हेयर बाल बनाते हुए झड़ेंगे ही। तो इसका जो एंटी डेंड्रफ है वो भी 695 का है। ये भी पैकेजिंग की है काफ़ी, इसमें प्लास्टिक का ही लग रहा है इस तरह से चारों पर। तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ। इसमें जो 200 ml की चारों बोतल है, यानी कि 200 200 200 800 ml है टोटली। क्योंकि तेल लगाते हैं तो शैम्पू भी ज़्यादा यूज़ होता है, तो एक ही ब्रांड के मैंने ये चारों मंगा लिए। एक कम से कम 800 ml हो गया ये। फ़ायदा करता है या नहीं करता है, जब ये फिनिश हो जाएंगे तब तो मैं आपको बताऊंगी कि ये फ़ायदा करेंगे या नहीं करेंगे। रिव्यू कोई मैं दे नहीं रही हूँ आपको, सिर्फ हॉल वीडियो बना रही हूँ। ये मैं हॉल वीडियो बना रही हूँ कि मैं आप ये प्रोडक्ट यूज़ करूँगी, जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो मैं आपके सामने एम्प्टी वीडियो लाऊंगी कि ये कुछ फ़ायदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन्होंने कुछ फ़ायदा किया है या नहीं किया है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको इनके अंदर से बोतल और दिखा देती हूँ मैं। तो ये अंदर से पैकेजिंग है एंटी डेंडर शैम्पू की, हिबिस्कस और वेटिवर है इसमें, और 200 ml की। और इस तरह से इसकी पैकेज, ये बोतल है, यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। पहले हम एंटी डेंड्रफ शैम्पू ही यूज़ करेंगे, इसको मैंने ओपन कर लिया। फिर सेकंड नंबर पर हम यूज़ करेंगे, मतलब हम एक बार खोलते हैं और सारे पूरा मेरी फैमिली एक ही यूज़ करती है, फिर वो जब ख़त्म हो जाता है फिर दूसरा यूज़ करते हैं। ये नहीं कि सबके अलग अलग हमने वो लगा ली है कि भाई उसके डेंड्रफ है तो वही यूज़ करेगा, बाकी यूज़ नहीं करेंगे। इस तरह का मेरे यहाँ कुछ नहीं है। एक चीज़ मैंने निकाल ली है, मैं भी यूज़ करूँगी, बाकी भी यूज़ करेंगे। फिर दूसरा निकालूंगी मैं ये आंवले वाला, मैं यूज़ करूँगी, बाकी यूज़ करेंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि डाइट पर ही डिपेंड करते हैं आपके बाल और आपकी स्किन। यदि आपकी डाइट अच्छी है तो आपके बाल भी अच्छे होंगे, आपकी त्वचा भी अच्छी होगी। आपके खाए पिए का ज़्यादा असर होता है आपके बालों पर, आपकी स्किन पर, ना कि शैम्पू पर या तेल पर। ये हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत आपके उसमें हेल्प करते हैं, फुल्ली हेल्प नहीं करते हैं। इसलिए सिर्फ आप अपनी डाइट पर ज़्यादा ध्यान रखिएगा। और हाँ, इनको भी अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट आप लगाइएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। एक और दिखा दूँ आपको, वो भी खोलकर। तो ये एंटी हेयर फॉल शैम्पू है आंवला और नीम, ग्रीन कलर का है ये अंदर से ग्रीन है, ये थोड़ा सा येलोइश में है ये, और ये ग्रीन है ये। तो जल्दी ही इन चारों शैम्पूज का भी रिव्यू आने वाला है क्योंकि जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। हमारे यहाँ शैम्पू बहुत ज़्यादा लगता है, सप्ताह में एक बार तो मैं धोती हूँ क्योंकि लंबे बाल हो गए मेरे। पहले जब मेरे छोटे तो मैं जल्दी 2 बार धो लेती थी, और मेरे बच्चे 2 बार धोते हैं, शैम्पू करते हैं, तो जल्दी इनका रिव्यू भी आएगा। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।